छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को ग्राम झलियापुर आयोजित सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ शाला का परिक्रमा कर कथा प्रवक्ता ब्रजनंदन महाराज का अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि इस 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का फायदा यहाँ के लोगों सहित हमारी सरकार को भी मिलेगा। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा वनोपज से समृद्ध राज्य है और मोदी की जिस गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास के साथ हमारी सरकार बनाई है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुंगेली से देवेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। मंथन पर हम लोग यहाँ पर शिव पुराण कथा में शामिल हो पाए और ये कथा ये यज्ञ पूरे क्षेत्र के खुशहाली के लिए हो रहा है और आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ है और ऐतिहासिक बजट है। 1,47,000 करोड़ का बजट है और ये बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास को ध्यान दिया गया है। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, सबके विकास का ख्याल किया गया है और ऐतिहासिक बजट है।